स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स आज हम बायोलॉजी के टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना या ये बोल सकते हैं नर युग्मक की संरचना का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्राणु की संरचना को ड्रा कर रहा हूँ। दूसरा अगर हम देखें स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान शुक्राणु का निर्माण किया था अपन ने। सामान्यतः नर मनुष्य में शुक्राणु स्पून शेप होते हैं, चम्मच आकार के होते हैं, ये बोल सकते हैं चम्मच आकार के होते हैं, स्पून शेप होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, यानी अध्ययन के लिए यह देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। सामान्यतः अगर इनकी लाइफ स्पेन की हम बात करें, जीवन अवधि की, तो जीवन अवधि फेवरेबल कंडीशन में, जैसे कोल्ड स्टोरेज में, रेस्टिंग स्टेज में, कई वर्षों तक हो सकती है। बट या ये बोल सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी जो लाइफ स्पेन है, जैसे अधिक टेम्परेचर पर, उस तापक्रम पर इसकी जो जीवन अवधि होती है वो 55 से 60 मिनट मानी जाती है, या ये बोल सकते हैं कि 55 से 60 मिनट होती है। सामान्यतः अगर हम नर मनुष्य में देखें एक बार नर मनुष्य द्वारा 200 से 300 मिलियन शुक्राणु मुक्त किए जाते हैं या नर युग्मक मुक्त किए जाते हैं। उन शुक्राणुओं में से लगभग 60% शुक्राणु ऐसे होने चाहिए जो सामान्य सेब के होने चाहिए, तथा 40% ऐसे होने चाहिए जो तीव्र गतिशीलता दर्शाएं। यह है शुक्राणु का इंटीरियर पार्ट, हेड जिसे कहेंगे। हेड में ये पार्ट है एक्रोसोम, केप लाइक संरचना के रूप में बोल सकते हो, या टोपिनोमा संरचना के रूप में होता है। हिंदी में इसको अग्र पिंडक बोलते हैं, अग्र पिंडक। ये वाला जो पार्ट है इसमें न्यूक्लियस, केंद्रक बोलेंगे, नाभिक बोल सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये इसकी डबल मेम्ब्रेन बनाई है मैंने, ये है न्यूक्लियस, केंद्रक बोलते हैं जिसे। यहाँ अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है जो कि डीएनए है। डीएनए के साथ साथ इसमें एक विशेष प्रोटीन भी पाई जाती है, वो है प्रोटामीन प्रोटीन। यदि हम क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम होते हैं 23, अनपेयर्ड होते हैं, ये बोल सकते हैं अयुग्मित होते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के दौरान मियोसिस होता है। मियोसिस के फलस्वरूप जो प्रोजेनी बनती हैं, जो संतति कोशिकाएँ बनती हैं, वो हेप्लोइड होती हैं, इसलिए इनमें क्रोमोसोम का नंबर 23 होता है। मोस्टली ह्यूमन की प्रत्येक सेल्स में इनका नंबर 46 है, जननांगों की कुछ विशेष कोशिकाओं में इनका नंबर 23 होता है। ये वाला जो पार्ट है इसको नेक कहते हैं। नेक में दो संरचनाएं हैं, पीसी, इसको बोलेंगे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल समीपस तारा कहेंगे, तारा केंद्र। ये है डिस्टल सेंट्रियोल, दूरस्थ तारा केंद्र, ये इसके समीप है या इसके पोस्टीरियर पार्ट के नीचे उपस्थित है। डीसी इस पीसी के पीछे स्थित होता है। ये वाला जो पार्ट है ये है मिडल पीस,
मिडल पीस पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। कल जो स्पर्मियोजेनेसिस का टॉपिक अपन ने लिया था उसमें ये बिंदु आया था। सामान्य तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं वो स्पाइरल शेप संरचना में होते हैं या रिबन नुमा संरचना में होते हैं, फीते नुमा संरचना में पाए जाते हैं या स्पाइरल नुमा संरचना में उपस्थित होते हैं। उस रिबन नुमा संरचना या स्पाइरल नुमा संरचना को निबेनकण बोलते हैं। इस विन्यास को बोलेंगे निबेनकण। निबेनकण यहाँ कंडेंस साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है एक थिन लेयर के रूप में, प्रीतीय पार्ट में पाया जाता है मुख्य रूप से, जिसे मेनचेट कहते हैं। ये मेनचेट उपस्थित है, ये आगे का जो पार्ट है ये इसका टेल, स्पर्म का ये बोल सकते हैं कि एंड पार्ट है, अंतिम पार्ट है, और इसका भी अंतिम पार्ट यानी स्पर्म की टेल का अंतिम पार्ट ये भी नुकीला होता है। यहाँ डीसी द्वारा एक विशेष प्रकार के फिलामेंट का निर्माण किया जाता है जिसे एक्जाइल फिलामेंट कहते हैं। ये है एक्जाइल फिलामेंट जो कि टेल का आधार बनाता है या टेल में मुख्यतः टेल का स्केलेटन बनाता है, टेल का कंकाल यही बनाने का कार्य करता है। यहाँ एक विशेष संरचना और पाई जाती है जिसे बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल, जेनसन रिंग भी बोलते हैं इसे, एन्युलस भी बोलते हैं, वले तारा केंद्र बोलते हैं हिंदी में। सामान्यतः ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोई टेल भाग में जाने से रोकते हैं। ये सामान्यतः स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, शुक्राणु की संरचना या नर युग्मक की संरचना है, सामान्यतः माइक्रोस्कोपिक होती है यानी अध्ययन के लिए देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये वाला जो पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं या फर्स्ट पार्ट है हेड, शीर्ष सिर बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट है नेक, गिरवा, ये वाला पार्ट थर्ड है मिडल पीस, इसे एनर्जी पावर हाउस भी बोल सकते हैं या एनर्जी पावर हाउस भी कहते हैं, मध्य खंड है क्योंकि इस संरचना के बिल्कुल मध्य में है इसलिए मिडल पीस बोलते हैं, मध्य खंड, ये मध्य खंड। चौथा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है आगे तक, ये है टेल, टेल में भी दो पार्ट पड़ेंगे। ये वाला जो पार्ट है मिडल पीस के पास में वो मेन पीस, ये एंड पीस। ये सामान्यतः शुक्राणु की संरचना है। सामान्यतः एक टिपिकल ह्यूमन स्पर्म में चार पार्ट होते हैं, कुछ बुक्स में आप पढ़ोगे नेक को मिडल पीस के साथ दिया गया, तो सामान्यतः ये चार पार्ट हैं। इंटीरियर पार्ट है वो हेड, शीर्ष, फिर नेक, फिर मिडल पीस और फिर है टेल। हेड पार्ट है वो दो संरचनाओं से मिलकर बना या दो संरचनाएं मुख्यतः उसमें उपस्थित हैं, एक है एक्रोसोम अग्र पिंडक, दूसरा है न्यूक्लियस केंद्रक। नेक पार्ट है इसमें दो सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल समीपस्थ तारा केंद्र, डिस्टल सेंट्रियोल, इसका कार्य कल भी किया था अपन ने, निषेचन के पश्चात युग्मनज को विदलन के लिए प्रेरित करता है। डिस्टल सेंट्रियोल ये एक विशेष प्रकार का फिलामेंट बनाता है, अक्षीय तंतु कहते हैं, एक जेल फिलामेंट कहते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है मिडल पीस मध्य खंड, एनर्जी चैम्बर भी बोलते हैं इसे या एनर्जी पावर हाउस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, एक निश्चित विन्यास में पाए जाते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं या रिबन शेप संरचना में व्यवस्थित होते हैं। संघनित साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है पेरिफेरल पार्ट में एक थिन लेयर के रूप में, पतली परत के रूप में, जिसे मेनचेट कहते हैं। यह संरचना पाई जाती है जहाँ टेल और मिडल पीस के जंक्शन स्तर पर, जॉइंट स्तर पर पाई जाती है। रिंग सेंट्रियोल, जेनसन रिंग भी बोलते हैं, एन्युलस भी बोलते हैं, वलय तारा केंद्र भी बोलते हैं। यह संरचना सामान्यतः यानी वलय नायक संरचना के रूप में मिडल पीस पार्ट में जो माइटोकॉन्ड्रिया जिनके विन्यास को निबेनकण कहते हैं उनको टेल भाग में जाने से रोकता है, एक प्रकार के बैरियर के रूप में कार्य करता है। तो ये है फिगर, किसका है, स्ट्रक्चर
ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट, यह सामान्यतः नर युग्मक की संरचना है। अब इसमें इसके पार्ट को अगर हम देखें, फर्स्ट जो पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट नर युग्मक है, हैप्लोइड संरचना है। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान इसका निर्माण होता है, या ये बोल सकते हो एटिपिकल ह्यूमन स्पर्म कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, एक टिपिकल मानव के शुक्राणु में नर युग्मक में निम्नलिखित पार्ट हो सकते हैं। अगर इसको हम एक लाइनर फिगर में दर्शाएं, ये हैं ह्यूमन स्पर्म, मेल गैमेट भी या नर युग्मक। फर्स्ट पार्ट जो ऊपरी ऊपर किया है इसमें हेड, ये हेड पार्ट, शीर्ष बोलते हैं जिसे, सिर भी बोल सकते हैं, ये वाला हेड पार्ट। सेकंड जो पार्ट है वो है नेक, गिरवा। थर्ड पार्ट है मिडल पीस, मध्य खंड बोलते हैं जिसे। फोर्थ जो पार्ट है वो है टेल, ये सामान्यतः चार पार्ट हैं, या नेक व मिडल पीस में भी इंक्लूड कर सकते हैं। हेड पार्ट में मुख्यतः दो जो संरचनाएं इंक्लूड की गई हैं, फर्स्ट है न्यूक्लियस केंद्रक, सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें एक्रोसोम, इसी प्रकार नेक में भी दो पढ़ेंगे, फर्स्ट पीसी प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, सेकंड है डीसी डिस्टल सेंट्रियोल। मिडल पीस पार्ट एनर्जी चैम्बर भी बोलते हैं इसे, एनर्जी चैम्बर। इसमें दो बिंदु हम देखेंगे, फर्स्ट निबेनकर्ण, निबेनकर्ण, सेकंड हम देखेंगे मेनचेट। टेल में भी दो बिंदु देखेंगे इसमें, फर्स्ट है मैनपीस, सेकंड है इसमें एंड पीस। ये सामान्यतः चार पार्ट हैं जिनके कुछ सब पार्ट हैं, चार पार्ट हैं हेड, नेक, मिडल पीस व टेल। फर्स्ट जो पार्ट हैं वो ले रहे हैं हेड, इस संरचना में ये हेड, ये नेक, नेक ये दोनों पार्ट, मिडल पीस के ये खैर पार्ट नहीं बोल सकते हैं, इसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं या विशेष प्रकार के विन्यास को हम बोल सकते हैं, ये टेल वाला पार्ट है। चार पार्ट दिखाए गए हैं हेड, इस संरचना का इंटीरियर पार्ट ये, अगर पार्ट ये है, अगर पार्ट हेड जिसे हम बोल रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं इट इज ए एंटीरियर पार्ट, यह सामान्यतः अग्र भाग होता है। सेकंड इसमें है इसकी जो संरचना है, इसकी हेड पार्ट की संरचना अलग अलग जीवों में अलग अलग स्पीसीज में भिन्न भिन्न होती है। हेड भाग की, शीर्ष भाग की संरचना सामान्यतः अलग अलग जीवों में अलग अलग जातियों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे मनुष्य की हम बात करें, मनुष्य में जो हेड पार्ट है वो स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान हेड पार्ट ओवल शेप हो जाता है, अंडाकार हो जाता है, साथ ही लेटरली फ्लैट हो जाता है, पार्श्व रूप से या पार्श्व तक चपटा हो जाता है, यही सती ओक्स में ओवल शेप और लेटरली फ्लैट। अगर हम स्पेरो में, चिड़िया में हम देखें, ये वाला पार्ट है ये स्पायरल शेप होता है। कहने का अर्थ ये कि अलग अलग जीवों में अलग अलग जातियों में हेड पार्ट की संरचना भिन्न भिन्न होती है। मानव में ये ओवल शेप, लेटरली फ्लैट, यही सतयोग्स में,
स्पेरो में, चिड़िया में ये सामान्यतः स्पाइरल शेप होता है। इस संरचना का इंटीरियर पार्ट है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं यह इंटीरियर पार्ट है। दूसरा देखो, शेप के बारे में अभी मैंने बताया, ओवल शेप, लेटरली फ्लैट, इसमें आ जाएगा शेप ऑफ हेड यानी शीर्ष की आकृति, वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज, भिन्न भिन्न जातियों में इसकी शेप मुख्यतः भिन्न भिन्न होती है। लाइक इन ह्यूमन ओवल शेप एंड लेटरली फ्लैट, बट इन स्पेरो क्लास एवीज का जीव है स्पेरो, बट इन स्पेरो स्पाइरल शेप देखो, दो पार्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए, फर्स्ट एक्रोसोम, सेकंड है न्यूक्लियस। इट इज फॉर्म्ड बाय द बोथ न्यूक्लियस केंद्रक एंड एक्रोसोम, एक्रोसोम और न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। फर्स्ट अगर हम देखें इन दोनों में भी, अगर मुख्यतः हम देखें शेप में, ज़्यादा पार्ट ये कवर कर रखा है, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट इज न्यूक्लियस, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट मेड बाय न्यूक्लियस, यानी मुख्यतः जो पार्ट हेड पार्ट का बना होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा बना होता है। पाई दोनों जाती हैं संरचनाएं, मुख्यतः ये वाला पार्ट इसके द्वारा बना है, न्यूक्लियस के द्वारा बना होता है। फर्स्ट इसका जो पार्ट हम ले रहे हैं न्यूक्लियस, सेकंड है इसमें एक्रोसोम, फर्स्ट इज न्यूक्लियस, ये बोल सकते हैं इसे इट इज ए मैन पार्ट क्योंकि इसमें डीएनए उपस्थित है, ये बोल सकते हैं हेप्लोइड क्रोमोजोम उपस्थित होते हैं, इट इज ए मैन पार्ट ऑफ स्पर्म, यह शुक्राणु का मुख्य पार्ट, मैन पार्ट है शुक्राणु का, डीएनए की उपस्थिति के कारण बोल सकते हैं। इट डिसाइड्स द शेप ऑफ हेड, बोल सकते हैं कि ये अगर शेप में छोटा है, आकृति छोटी है, तो हेड की भी छोटी होगी, तो ये ने हेड पार्ट की शेप को डिसाइड करते हैं। अगर इसमें कंटेंट के रूप में देखें न्यूक्लियस कंसिस्ट और कंटेंस इज डीएनए एंड प्रोटामीन, इट इज ए स्पेसिफिक प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटामीन प्रोटीन, दीज कंटेंस प्रॉपर बाइंडेड, ये न्यूक्लियस में मुख्य रूप से प्रॉपर रूप से बाइंड होते हैं, जुड़े होते हैं। क्रोमोजोम अगर हम देखें, डीएनए से बनेंगे क्रोमोजोम डिवीजन के दौरान, ये इसमें 23 उपस्थित होते हैं, 23 पाए जाते हैं, जिन्हें हम ये बोल सकते हैं हेप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, हेप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड इसमें पार्ट है
एक्रोसोम किसका पार्ट है, हेड का ही है, ये वाला जो पार्ट है हेड का, केपलाई संरचना के रूप में है, टोपिनुमा संरचना के रूप में है, हिंदी में अकर पिंडक इसको बोलते हैं। दूसरा, इसमें स्पेसिफिक एंजाइम उपस्थित होते हैं, कल भी जो बिंदु आया था उसमें भी आए थे, जैसे हाइलुरोनिडेज, एक्रोसोमिन, एसिड फोस्फेटेज, केटेफिन। साथ ही हेड का जो इंटीरियर पार्ट है, हेड का जो टिप पार्ट है, यहाँ स्पेसिफिक एसिड प्रोटीन पाई जाती हैं, जो कि स्पीसीज स्पेसिफिक होती हैं, जाति विशिष्ट होती हैं। कहने का अर्थ है विशेष जाति के जीवों में ये ही समान होती हैं, अलग अलग जाति में ये भिन्न भिन्न होती हैं। मेल वुमन में जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो एसिड प्रोटीन से बनी है, अम्लीय प्रकृति की प्रोटीन से बनी है, जिसे बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग। यही बिंदु ऊजनेसिस में हम पढ़ेंगे, जब ओवम की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उस समय ओवम की सरफेस पर एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होती है, जो कि फर्टिलाइजिन है, कि हेड के इंटीरियर पार्ट पर, टिप पार्ट पर, शिखर पार्ट पर स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन उपस्थित होती है, एसिडिक नेचर की है, जिसे एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं। निषेचन के दौरान ये इस प्रोटीन के कारण ही मेल और फीमेल गैमेट प्रॉपर फ्यूज होते हैं। अगर अलग अलग जाति के मेल व फीमेल गैमेट हैं तो ये प्रोटीन भी भिन्न भिन्न होंगी, जिससे इनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, फ्यूज नहीं हो पाएंगे, और निषेचन क्रिया, फ्यूजन प्रक्रिया या सिनगैमी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। एक्रोसोम ये दूसरा पार्ट है इसका। अगर हम इसको देखें किस लाइक संरचना में है, अभी आया है ये, इट इज ए केप लाइक स्ट्रक्चर टोपिनुमा संरचना के रूप में, या यह एक टोपिनुमा संरचना है। कल कुछ स्पेसिफिक चेंजेज आए थे, मूलभूत परिवर्तन उसमें इसका फॉर्मेशन किया था, तो ये गोल्जी बॉडी से बनते हैं, ये बोल सकते हैं इट डेवलप फ्रॉम गोल्जी बॉडी। सेल ऑर्गेनल्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। सेकंड है, एक्रोसोम में क्या उपस्थित होते हैं, एक्रोसोम टू हैव सेवरल एंजाइम, अनेकों एंजाइम्स उपस्थित होते हैं इसमें, एक्रोसोम टू हैव सेवरल एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। जितने सारे एंजाइम उपस्थित हैं उन्हें स्पर्म लाइसिन कहते हैं, ये बोल सकते हैं स्पर्म लाइसिन। इसमें हाइलुरोनिडेज है, एसिड फोस्फेटेज है, केटेफिन है, एक्रोसोमीन है, प्रोएक्रोसोमीन है, उन्हें सामूहिक रूप से, कंबाइंड रूप से हम स्पर्म लाइसिन कहते हैं। पहला है जैसे हाइलुरोनिडेज, ये फर्स्ट एंजाइम। सेकंड ले रहे हैं प्रोएक्रोसीन, और भी हैं एक्रोसीन, एसिड फोस्फेटेज, केटेफिन। निषेचन के दौरान यानी जैसे ही ओवम को ये फ्यूज करेगा, उस समय कोरोना रेडिएटा टू डिजोल और फ्यूज कोरोना रेडिएटा को ये फ्यूज करता है, घोलता है, ये है टू डिजोल जोना पेलुसीडा, इट इज ए सेलुलर ट्रांसपेरेंट लेयर। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ह्यूमन ओवम, एक मेम्ब्रेन ओवम मेम्ब्रेन, ये वाला लेयर चारों ओर है, जोना पेलुसीडा ट्रांसपेरेंट लेयर ए सेलुलर कोरोना रेडिएटा, ओवम की स्ट्रक्चर में आएंगे बिंदु, ये कोरोना रेडिएटा, ये स्पर्म यहाँ पहुँचेंगे, ये इसका न्यूक्लियस है। इस कोरोना रेडिएटा को डिजोल करेगा हाइलुरोनिडेज, प्रोएक्रोसीन किसको डिजोल करेगा,
इस ट्रांसपेरेंट लेयर जोना पेलुसुडा को, कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसुडा, ये एक मेम्ब्रेन है, ओवम मेम्ब्रेन बोल सकते हो, ये इसके बाहर की ओर है, इस बोल सकते हैं इसके एक्स्ट्रा में है, इसलिए कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसुडा दे आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अलग अलग जीवों में अलग अलग होती हैं, मानव में ये मुख्यतः दो हैं, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसुडा, ये इसको डिजोल करेगा, ये इसको डिजोल करता है। सेकंड है इसमें अगर हम देखें स्पेसिफिक प्रोटीन की, स्पर्म हेड, स्पर्म हेड पार्ट कंसिस्ट ए स्पेसिफिक एसिड प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजिन, इट इज ए स्पेसिफिक प्रोटीन बट लोकेटेड ऑन स्पर्म हेड पार्ट, स्टम टिप पार्ट, शुक्राणु के टिप पार्ट में या शिखर भाग में ये उपस्थित होती है। ओवम में अगर हम पढ़ेंगे तो फर्टिलाइजिन आएगा, वो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये अम्लीय प्रोटीन है। ये तो है फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड जो पार्ट है वो है नेक, जिसको हम ये बोल सकते हैं गिरवा, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये नेक यहाँ से यहाँ तक का, कैसा है देखो, नेरो पार्ट है, स्मॉल पार्ट भी है। इट इज नेरो एंड स्मॉल पार्ट, यह शुक्राणु की संरचना में अगर हम देखें माइक्रोस्कोप से तो यह संकरा पार्ट है, छोटा पार्ट भी है। क्या स्थित है इसमें, देखो दो संरचनाएं पाई जाती हैं, पीसी व डीसी। कहाँ स्थित है ये, हेड और मिडल पीस के, हेड और मिडल पीस के मध्य स्थित होता है, बट लोकेटेड बिटवीन हेड एंड मिडल पीस, हेड व मध्य खंड के बीच स्थित होता है। इट कंटेन या कंटेन्स टू सेंट्रियोल, फर्स्ट इज प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, इट इज ये देखो पीसी है, इस हेड पार्ट है, इसका ये इंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट के नियर बाई उपस्थित है, इसके समीप स्थित है। डीसी की स्थिति हम लेंगे तो डीसी इसके पीछे स्थित है, यानी पीसी के पीछे स्थित है या इससे दूर स्थित है। इट इज लोकेटेड, यानी यह स्थित होता है नियर टू पोस्टीरियर, पश्च भाग को बोलते हैं पोस्टीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पोस्टीरियर पार्ट में उपस्थित होता है। देखो इसका फंक्शन कल भी आया था, कार्य इट हेल्प्स इन क्लीवेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पश्चात, इसे फ्यूजन सीन के भी बोल सकते हैं, या दूसरे रूप में अगर हम लिखें इट इनिशिएट्स या इनिशिएट प्रारंभ करना, शुरू करना बोल सकते हैं, इट इनिशिएट क्लीवेज इन जाइगोट, सिंगल डिप्लोइड सेल है, फ्यूजन से बनेगी मेल व फीमेल गैमेट, या ये बोल सकते हो आप माइटोटिक स्पिंडल के निर्माण में भी सहायक है। ये तो फर्स्ट है। सेकंड है इसमें डीसी डिस्टिल सेंट्रियोल, देखो कहाँ स्थित है, पीसी के जस्ट नीचे स्थित है, ये बोल सकते हैं
इट इज लोकेटेड फार टू न्यूक्लियस और बिहाइंड टू पीसी, इट मीन्स प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। अगर इसके फंक्शन हम देखें कार्य, इट फॉर्म्स एक्जाइल फिलामेंट ऑफ टेल ऑफ स्पर्म। शुक्राणु की संरचना में एक विशेष प्रकार के तंतु का निर्माण करते हैं, उसको एक्जाइल फिलामेंट कहते हैं। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड इसका पार्ट है वो है मिडल पीस, मध्य खंड बोलेंगे इसे, एनर्जी चैम्बर भी बोलते हैं इसे। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये मिडल पीस पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है, ये मिडल पीस पार्ट है, मध्य खंड बोल रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ व्यवस्थित हैं एक विशेष प्रकार के विन्यास में, उस विन्यास को हम बोल रहे हैं निबेन कण। ये विन्यास है रिबन शेप या स्पाइरल शेप, निबेन कण, कंडेंस साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है थिन लेयर के रूप में पेरिफेरल पार्ट में, जिसे मेनचेट कहते हैं। देखो पहली तो स्थिति कहाँ है, ये टेल पार्ट है इसका, ये हेड वो नेक पार्ट है, टेल नेक और टेल के मध्य स्थित है। तो लोकेशन अगर हम देखें, इट लोकेटेड बिटवीन नेक एंड टेल के बीच स्थित होता है। अन्य रूप में क्या बोल सकते हैं इसे, इट इज कॉल्ड पावर हाउस और एनर्जी चैम्बर, ऊर्जा का कक्ष है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, शुक्राणु का पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी चैम्बर इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया हैं, बिकॉज सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया आर अरेंज्ड स्पाइरली और रिबन रिबन शेप स्ट्रक्चर्स अराउंड द एक्जाइल फिलामेंट। एक्जाइल फिलामेंट के चारों ओर उपस्थित होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, निबेन कण, द स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड निबेन कण। निबेन कण सेकंड देखो ये पार्ट है इसमें, कंडेंस साइटोप्लाज्म जिसे क्या बोलते हैं, मेनचेट, ए थिन लेयर, थिन लेयर ऑफ कंडेंस्ड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड मेनचेट, रिबन शेप को निबेन कण और कंडेंस साइटोप्लाज्म को मेनचेट कहते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, टेल, फोर्थ पार्ट, एक ये बिंदु इसमें जिसे रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं, वले तारा केंद्र बोल रहे हैं, जेनसन रिंग भी बोलते हैं, एन्युलस भी बोल रहे हैं। कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मिडल पीस पार्ट में, उनको टेल भाग में आने से रोकना, बैरियर के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि यदि यहाँ से यहाँ आएंगी तो एनर्जी डिवाइड होगी
स्पर्म को प्रॉपर रूप से मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए ऊर्जा प्रॉपर नहीं मिलेगी, स्पर्म प्रॉपर रूप से मूव नहीं हो पाएंगे। इसलिए मिडल पीस पार्ट में जो माइटोकॉन्ड्रिया उनको टेल भाग में आने से रोकने का कार्य जेनसन रिंग एनोलस या रिंग सेंट्रियोल करता है। ये वाला टेल ध्यान ये रखना है। लास्ट पार्ट इसका हम बोल सकते हैं या लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म है, इट इज ए लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म, मानव का जो शुक्राणु है, नर युग्मक है, उसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो टेल है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी इसका, गमन अंग भी है ये, या गमन संरचना बोल सकते हैं अपन, गमन संरचना है। दूसरा है क्या उपस्थित होता है इसमें, ये ध्यान रखना, एक्जियल फिलामेंट उपस्थित होता है। टेल टू कंसिस्ट एक्जियल फिलामेंट या इट कंसिस्ट एक्जियल फिलामेंट। अगर हम इसके पार्ट में देखें, दो पार्ट उपस्थित हैं। ये टेल किसका पार्ट है, मेल गैमेट ह्यूमन स्पर्म का, लॉन्गेस्ट पार्ट भी है, इट कंसिस्ट एक्जियल फिलामेंट। मिडल पीस के पार्ट में, के पास में जो पार्ट है उसको बोलेंगे मैन पीस, मुख्य खंड। टर्मिनल जो पार्ट है उसको बोलेंगे न्यूक्ला भी होता है, एंड पीस। मैन पीस में जो अरेंजमेंट उपस्थित होता है विशेष प्रकार के फिलामेंट का, वो 9+9+2 अरेंजमेंट उपस्थित होता है। यहाँ अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का अरेंजमेंट होता है, 9 आउटर, 9 पेरिफेरल, 2 सेंटर पार्ट, सेंटर सिंगल, ये डबल होते हैं, ये सिंगल उपस्थित होते हैं, ये पेरिफेरल पार्ट में उपस्थित हैं, पेरिफेरल पार्ट, ये हैं सेंटर पार्ट में, ये डबल दोहरे बोलेंगे इसे, ये हैं सिंगल। देखो ऐसे अगर हम इसको आरेख में दर्शाएं कि यदि मैन पीस का हम TS लेकर माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो ये फिलामेंट नज़र आएंगे हमें, तीन प्रकार के। ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं TS को, 9 आउटर पार्ट में सिंगल, ये 9 पेरिफेरल पार्ट में, ये सेंटर पार्ट में। यदि एंड पीस का हम TS लेंगे फिर माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो ये दो प्रकार के फिलामेंट नज़र आएंगे, 9 पेरिफेरल पार्ट में और ये 2 सेंट्रल पार्ट में। अगर मैन पीस की अगर हम बात करें इस रूप में दर्शा सकते हैं इसे, ये तो है आउटर सिंगल है, ये पेरिफेरल पार्ट में डबल, ऐसे हम सेंट्रल पार्ट में दर्शाएंगे, सेंट्रल पार्ट में 2 हैं, 1 2 कैसे हैं, सिंगल है, यहाँ प्रॉपर बाइंडेड है। ऐसी स्थिति हम बनाएंगे, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ये ऐसे डबल उपस्थित हैं यहाँ प्रत्येक जगह, ये पेरिफेरल पार्ट में उपस्थित हैं। तो इनको बोल सकते हैं अपन आउटर बट सिंगल, पेरिफेरल डबल, सेंट्रल बट सिंगल। तो ये अरेंजमेंट है मैन पीस का, जो मिडल पीस के पास में ये अरेंजमेंट है फिलामेंट का, एंड पीस के पास में उसका ये अरेंजमेंट है। ये वाला स्पर्म की संरचना थी। अगर हम कुछ टाइप्स इसके देखें तो आपको मानव के संदर्भ में तो एक ही मिलेगा टाइप्स, मोनोफ्लेजिलेट। देखो टाइप्स ऑफ स्पर्म, मानव में जो शुक्राणु या सभी जीवों में, अकेला मानव में नहीं सभी जीवों में इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, ये देखो स्पर्म दो प्रकार हो सकते हैं, फ्लेजिलेटेड यानी जिनमें फ्लेजिला उपस्थित होते हैं फ्लेजिलेटेड स्पर्म, दूसरे हैं जिनमें नहीं पाए जाते हैं उनको बोल देंगे नॉन फ्लेजिलेटेड। तो मानव वाले में फ्लेजिला उपस्थित है, फ्लेजिला उपस्थित तो मानव का स्पर्म कैसा होगा, फ्लेजिलेटेड स्पर्म होगा। ये भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, फर्स्ट है मोनोफ्लेजिलेटेड। फ्लेजिला क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, गमन संरचना, कितने हैं, एक ही हैं ऐसे दर्शा सकते हैं। ये स्थिति है ह्यूमन में, रेट में मानव का जो स्पर्म इस प्रकार का है मोनोफ्लेजिलेट यानी फ्लेजिलेटेड, इसमें भी अगर हम टाइप देखें तो मोनोफ्लेजिलेट। दूसरा ये टाइप्स है जो अन्य जीवों में देखने को मिलता है वो है बाईफ्लेजिलेट। अब
ये बात हम करें कि फ्लेजिला क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, कितने हैं, दो, ये दो बना दिए। ये स्थिति है टोडफिश में, मानव में नहीं पाई जाती, टोडफिश में स्थिति पाई जाती। एक और है कॉन्जुकेटेड, ये वाले इसमें बोट सेफ होते हैं, बैटरी नुमा संरचना के रूप में होते हैं, ऐसे स्पर्म, चार स्पर्म आपस में जुड़े रहते हैं। ये स्थिति है ग्रास ओपर में, ग्रास ओपर में ये स्थिति पाई जाती है जिसमें बैटरी सेफ पाए जाते हैं, कॉन्जुएट पाए जाते हैं, संयुग्मित, नॉन फ्लेजिलेटेड, वे नरयुग्मक जो जिनमें गमन संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, फ्लेजिला नहीं पाए जाते हैं, ये स्थिति को बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है इसमें एस्केरिस, एक जीव है इसमें, एस्केल मंथीज का जीव है, एस्केरियसिस डिजीज भी हम पढ़ेंगे इसमें 12th बुक में। एक जीव है क्रेफिश, लोबेस्टर, इनमें नॉन फ्लेजिलेटेड होता है परंतु ये मोटिलिटी जरूर दर्शाते हैं, मोटिलिटी दर्शाते हैं, अमीबोइड मूवमेंट, अमीबोइड मूवमेंट हम WBC में पढ़ेंगे, WBC सामान्यतः अमीबोइड मूवमेंट दर्शाती है। तो ये स्टूडेंट्स जो बिंदु था शुक्राणु की संरचना, दूसरा जो कल बिंदु लिया था इसमें फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, डेवलपमेंट ऑफ एक्रोसोम। अब एक्रोसोम का आज भी बिंदु आया, कुछ अंश में अपने लिया है ये, एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से, गोल्जी बॉडी द्वारा, जैसे ही गोल्जी बॉडी अनेक साइकिल में उपस्थित होते हैं, ये ध्यान में रखना है, साइकिल अनेक साइकिल में, उनके मध्य में पाए जाते हैं वैक्यूल्स, जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है एक्रोसोम निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान या स्पर्मेटिलियोसिस के दौरान, शुक्र कायंत्रण के दौरान, उस दौरान एक या एक से अधिक वैक्यूल्स का परिमाण में वृद्धि होती है, आकार बोल सकते हो आप, फिर जितनी वैक्यूल्स हों प्रॉपर फ्यूज होकर एक वैक्यूल बना लेती हैं, उस वैक्यूल्स में एक सघन सूक्ष्म सघन संरचना पाई जाती है, काय उपस्थित होने से प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे संपन्न होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एक्रोसोम आगे संपन्न हो रहा है स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान, उस समय ये सघन संरचना कुछ पहले की तुलना में बड़े आकार की हो जाती है, लार्ज इन साइज, जिसे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, जो आगे चलकर क्या बनाएगा, ये वाली संरचना बनाता है, क्या बनाएगा, एक्रोसोम बनाता है। अब यदि ऐसे हम दर्शाएं इसको कि सामान्यतः जैसे ही एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है, स्पर्मेटिड का कोशिका द्रव्य विपरीत दिशा में मूवमेंट क्यों करता है, यदि एक हम यू शेप की एक नली लें, प्लास्टिक या ग्लास की ले लेते हैं, यहाँ इसमें बैरियर लगा देते हैं, एक अवरोध बोल सकते हैं, इसमें यहाँ तक पानी फिल करते हैं, कोई भी तरल फिल करते हैं, जैसे जल को फिल किया, इसमें यहाँ तक फिल किया, इसको बोल सकते हैं ए, इसको बोल देंगे बी, दो पार्ट कर दिए इस नली के, ए बी, ए में जल अधिक है डाला अपन ने, ए बी में जल कम है, या तो फ्लो इसमें ऐसे होगा ए से बी, या ये बोल सकते हो बी से, दो में से एक ही फ्लो होगा, जैसे यदि बैरियर हटाएंगे तब, सामान्यतः अगर हम देखेंगे जैसे ही बैरियर हटाएंगे तब फ्लो या तो ए से बी होगा या बी से ए होगा, दोनों में से एक होगा, परंतु सामान्यतः बैरियर जैसे ही हम हटाएंगे तो फ्लो हमेशा ए से बी की ओर होगा, क्योंकि यहाँ हाई कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन है, जिसको ग्रेडियंट बोलते हैं, वाटर रिलेशन के चैप्टर में आएगा आपके ग्रेडियंट। ये स्थिति यहाँ की, जैसे ही एक्रोसोम का निर्माण हो जाए केप लाइक संरचना के रूप में, तो यहाँ जो साइटोप्लाज्म है वो नीचे की ओर मूवमेंट करता है, क्योंकि स्पेस जितना है वो इसने कवर किया है, जिसके कारण साइटोप्लाज्म नीचे की ओर, अब नीचे की ओर है, कोई भी अगर हम गेंद को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में से रिलीज करते हैं तो कहीं जहां उसे स्लोप मिलेगा, जहां कोई गड्ढा मिलेगा वहां आकर रुकती है, ये बोल सकते हैं। यहां जैसे ही तरल नीचे की ओर गति आएगा, उस गति करता है साइटोप्लाज्म, उसको जहां स्पेस मिलता है मिडल पीस पार्ट में, यहां आकर वो स्टोर रहता है, वो भी किस रूप में संग्रहित होता है, एक थिन लेयर के रूप में होता है, एक पतली परत के रूप में होता है, गाढ़ा होता है, क्योंकि ये जो परिवर्तन कल अपन ने किए थे वो इस शुक्राणु को लाइट बनाए रखने के लिए, हल्का बनाए रखने के लिए, हल्का जैसे ही होगा तब ये मोटिलिटी दर्शाएगा, नहीं तो मोटिलिटी नहीं दर्शाएगा। तो शुक्र कायंत्रण के दौरान जैसे ही एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है, साइटोप्लाज्म विपरीत दिशा में गति करता है, क्योंकि ये स्पेस एक्रोसोम के कारण फिल हो गया है कुछ अंश में, जिससे तरह नीचे की ओर गति करेगा, विपरीत दिशा में बहेगा, और जहाँ इसे स्पेस मिलता है, स्पेस सामान्यतः मिडल पीस पार्ट में, तो यहाँ एक थिन, एक पतली परत के रूप में प्रीतीय भाग में उपस्थित हो जाता है, गाढ़े रूप में होता है, जिसे मेनचेट हम कहते हैं। यदि ये नहीं होगा तो प्रॉपर रूप से इसको स्पेस मिलेगा, वो भी सामान्यतः ध्यान कर लेना, काफ़ी कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट डे जो टॉपिक हम लेंगे वो टॉपिक होगा ऊजनेसिस, अंडजनन। Thanks.